नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं ट्विंकल वर्मा, गोल्ड फिल्म मिरर की तरफ से आप सभी का स्वागत है। मैं अपनी स्वरचित कविता आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूं, जिसका शीर्षक है मैं मजदूर की बेटी हूं। आओ दोस्तों, मजदूरों की दास्ता सुनाती हूं। आओ दोस्तों, मजदूरों की दास्ता सुनाती हूँ। दूसरों की छोड़ो, मैं खुद मजदूर पिता की बेटी हूँ। जिंदगी के हर उतार चढ़ाव को मैंने अपनी आंखों से देखा है। जिंदगी के हर उतार चढ़ाव को मैंने अपनी आंखों से देखा है। भूख से अपनी माँ को पेट में गमछा बांधते देखा है। एक एक रुपए कमाने का दर्द मैं अच्छे से जानती हूँ। एक एक रुपए कमाने का दर्द मैं अच्छे से जानती हूँ। आज भी 5 रुपए बचाने को मैं हर रोज पैदल पढ़ने जाती हूँ। चांदी को पिघलाने में सांस फूल जाता है। चांदी को पिघलाने में सांस फूल जाता है। आग के ताप से खून सूख जाता है। मजदूरी करते हैं पिता, दिन से रात हो जाती है। मजदूरी करते हैं पिता, दिन से रात हो जाती है। बच्चों को तकलीफ ना हो, इस ललक में भूखे रह जाते हैं। तकलीफ होता है पिता के इस हाल से। तकलीफ होता है पिता के इस हाल से। बेटी नहीं बेटा बनकर साथ निभाती हूँ हर हाल में। बेटी नहीं बेटा बनकर साथ निभाती हूँ हर हाल में। गर्व महसूस करती हूँ खुद में, मैं मजदूर पिता की बेटी हूँ। मंजिल को पाना चाहती हूँ हर हाल में, ताकि लोग कहे मैं मजदूर की बेटी हूँ। ताकि लोग कहे मैं मजदूर की बेटी हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है पूजा कुमारी वाल्मीकि। आप सभी के समक्ष अपनी स्वरचित कविता को प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है राह तकी नैना। कविता कुछ इस प्रकार है। यमुना तट पर बैठी राधा, नीर झलकाए माधव के नैना। घनश्याम की सुध लागी, झरे निर्झर नैना। याद कर घनश्याम मन, तट पर बैठी शुद्ध बुद्ध कोए। राधा के नैना याद करे राधा, राह तके नैना। आज भी राधा बैठी है श्याम राह में, ताके राहें निशदिन सावन भादो जैसे कई माह में। झड़ी लगी बूंदों में राह तकी राधा, भींगी वन में। बिंदिया भींगी काजल भींगा, भींगे राधा के बहते नैना। याद करे राधा, राह तकी नैना। आज भी प्रेमिका का मन उसी तूफान सा है। प्रेमिका आज भी राधा, प्रेमी घनश्याम सा है। प्रवासी उसका प्रेमी, किस्सा यह जैसे आम सा है। यादें वही नैना वही, भीगे राधा की नैना वही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं शारदा दास एफएम न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा मंच दिया, मेरी अपनी पहचान बनी, मुझे इस काबिल बनाया। आज मैं अपनी स्वरचित कविता पेश करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है कीमत रोटी की। जैसे कि आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन चल रही है, और लॉकडाउन में बहुत से मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, बहुत से गरीबों भूखे मर रहे हैं, जिसके कारण आज रोटी की कीमत हर एक व्यक्ति को पता है। और गरीब तो गरीब, आज हर एक अमीर को भी रोटी की कीमत पता चल गई है। जो एक रोटी खुद खाते थे और 4 अपने घर में बैठे कुत्तों को खिलाते थे या फिर फेंक दिया करते थे, उन्हें भी आज रोटी की कीमत बहुत अच्छे से पता चली गई है। तो आज मैं आप लोगों को अपनी संरचित कविता सुनाऊंगी कीमत रोटी की। रोटी बहुत ही छोटा सा शब्द है, पर इसकी कीमत उनसे पूछो जो इसको पाने के लिए तरसता है। रोटी की कीमत तो बस उस किसान को पता है, जिसने पानी की सिंचाई के साथ साथ अपने माथे का पसीना भी बहाया है। इंसान तो इंसान, रोटी की कीमत उस जानवर को भी पता है, जो एक रोटी के लिए धर बधर सबके दरवाजे भटकता फिरता है, और उसे रोटियां नहीं मिलती है, बदले में उसे मिलते हैं तो सिर्फ खाने को डंडे। हमारी जिंदगी तो ऐसो आराम के साथ बीत रही है, और दूसरी तरफ किसी को एक सूखी रोटी तक नसीब नहीं हो रही है।
हम बड़े बड़े होटलों में जाते हैं पिज्जा और बर्गर खाने को, लेकिन वहीं एक गरीब वहां जूठा पत्तल होता है, जूठा प्लेट होता है दो वक्त की रोटी कमाने को। धन्यवाद। नमस्कार, मैं नंदिनी कुमारी साहब आप सभी के समक्ष मैं अपनी स्वरचित कविता पेश करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है ओरी चिड़ैया। ओरी चिड़ैया, तू अपना पंख समेट क्यों बैठी है? क्या हुआ है तुझे? तू किस सोच में पड़ी है? तू डर रही है क्या खुली फिजाओं में उड़ान भरने को, या शिकारियों ने तेरा रास्ता घेर रखा है? तू अपना मुँह खोल क्यों नहीं रही? अपने चाचाहट से तू बोल क्यों नहीं रही? किस बात से तू परेशान बैठी है? क्या हुआ है तुझे? क्या तू अपनों से ही चोट खाए बैठी है? क्या तेरे अपने ही तुझ पर बंदिशें लगा बैठे हैं? तो तू किस सोच में पड़ी है? वह तो तेरे अपने हैं, तेरी सलामती चाहते हैं, इसलिए तुझ पर लाख बंदिशें लगाते हैं। ओरी चिड़ैया, ओ प्यारी सी गुड़िया, तुझे नहीं पता हर पग पग पर हैवान है यहाँ, तुझे नोच खाने को सब तैयार है खड़ा। तेरे पंख उतर डालेंगे, तुझे बेसहारा कर डालेंगे, सीने में दिल कहाँ है इनके, तुझे पत्थरों से कुचल डालेंगे। तू तड़पती रह जाएगी, तेरी एक चीख भी किसी के कान तक ना जाएगी। जख्म देने वाले हजार तुझे मिलेंगे, लेकिन तू मरहम को तरस जाएगी। तब तेरे अपने भी ना साथ देंगे तेरा, तू टूट बिखर जाएगी, फिर तू किधर जाएगी? तब ना मिलेंगे तुझे कहीं बसेरा, कोई पिंजरा ना तुझे स्वीकारेगा। तेरे अपने ही तुझे धिक्कारेंगे, इसलिए लगे बेड़ियों को तू पायल बना ले, उसके झनकारों से तू स्वर फैला दे। देख तो उस पिंजड़े को, उसे अपने ख्वाबों वाली एक दुनिया बना ले। धन्यवाद। नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी गुप्ता आप सभी के सामने अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है याद आती है। उसका मुस्कुराता चेहरा देखना याद आती है, उसके आने से पहले उसकी आहट आ जाना याद आती है, उसके पास आ जाने से मेरा यूं घबरा जाना याद आती है, उसे बिना बताए प्यार करना याद आती है, उसे बिना बताए उसका ख्याल रखना याद आती है, उसके साथ खेले लुका छुपी के खेल याद आती है, उसका बिन बोले गुस्सा करना याद आती है, उसे देखना और जब वह देखे तो मेरा युग घूम जाना याद आती है, उससे बिना गलती के झगड़ा करना याद आती है, उसके आने से पहले उसकी आहट आ जाना याद आती है, उससे रात भर बैठकर बातें करना याद आती है, उसके आंखों में अपने लिए प्यार देखना याद आती है, उसका हर पल मेरे साथ रहने की एहसास याद आती है, उसके साथ किए गए बदमाशियाँ आज भी याद आती है, उसे बिना बताए आ जाना याद आती है, दिन भर उसकी एक झलक के लिए तरसूं और जब वो पास आए तो मैं घबरा जाऊं याद आती है, उसके चाले जाने के डर से ही मैं दहल जाऊं याद आती है, बस याद आती है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मनीषा सिंह चौहान आज आप लोगों के सामने एक स्वरचित कविता पाठ करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है यादें। यादें ही काफी है जिंदा रहने के लिए, यादें ही काफी है जिंदा रहने के लिए, जरूरी तो नहीं साथ रहा जाए, जरूरी तो नहीं साथ रहा जाए, दूर रहकर भी प्यार उतना ही रहेगा, दूर रहकर भी प्यार उतना ही रहेगा, बस प्यार का एहसास दिल में बरकरार रहा जाए। यादों ने आज दिल को मगरूर कर दिया, यादों ने आज दिल को मगरूर कर दिया, हर बातों ने आज दिल को मुकम्मल कर दिया। गलतियां थी तो नहीं किसी की, गलतियां थी तो नहीं किसी की, पर तेरी मजबूरियों ने आज होठों को सिल दिया। यादों से क्या बेवफाई करना, यादों से क्या बेवफाई करना, जब याद करने वाला ही दर्द दे जाता है,
यादों से क्या बेवफाई करना जब याद करने वाला ही दर्द दे जाता है। पास थे तो अहमियत प्यार का ना दिया उसने, पास थे तो अहमियत प्यार का ना दिया उसने, आज दूर जाने पर मेरी पीठ पीछे मेरे इश्क को बदनाम किया उसने। आज दूर जाने पर पीठ पीछे मेरे इश्क को बदनाम किया उसने। क्या और बोलूं यादों के बारे में, क्या और बोलूं यादों के बारे में, याद तो हर मोड़ पर आती है। क्या बोलूं यादों के बारे में, याद तो हर मोड़ पे आती है, लेकिन जिसे मैंने चाहा उसकी याद तो हर पल सताती है। जिसे मैंने चाहा उसकी याद तो हर पल सताती है। झूठा ही सही कुछ याद तो बाकी है, झूठा ही सही कुछ याद तो बाकी है, प्यार नहीं पर दिल में एहसास तो बाकी है। झूठा ही सही कुछ याद बाकी है, प्यार तो नहीं दिल में एहसास तो बाकी है। जानती हूँ तू बेशक मुझे भुला नहीं सका, जानती हूँ तू बेशक मुझे भुला नहीं सका, लेकिन तेरे नाम का मंगलसूत्र आज भी पहनती हूँ। बेशक तू मुझे भुला नहीं सका, जानती हूँ बेशक तू मुझे भुला नहीं सका, लेकिन तेरे नाम का मंगलसूत्र आज भी पहनती हूँ। याद ही काफ़ी है जिंदा रहने के लिए, जरूरी तो नहीं साथ रहा जाए, दूर रहकर भी प्यार उतना ही रहेगा, बस दिल में एहसास बरकरार रहा जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अंजलि पांडे, सभा उपस्थित गुरुजनों को मेरा पढ़ना एवं उपस्थित मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं अपनी स्वरचित कविता मोबाइल में संसार आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मोबाइल में संसार, दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार मोबाइल का आविष्कार। इंसान के पास जब भी जाए, इंसान को इंसान से दूर कर जाए। जब इंसान के पास ये जाए सब कुछ भूल, लोग मोबाइल ही चलाए। इन मोबाइल ने इंसान को बेरोजगारी का एहसास न कराया, दिन भर अपने में ही उलझाया। मनोरंजन के सब साधन है उपलब्ध यहाँ, मोबाइल से कोई भी बच ना पाया। बच्चे बूढ़ों ने भी इसे अपनाया, दुख सुख का अनुभव मोबाइल से करते, इसके चलते सब रिश्ते टूटते। सोशल डिस्टेंस को यह बखूबी निभाते, जो मोबाइल है चलाते। वास्तविकता का उन्हें नहीं ख्याल, काल्पनिकता में ही ढूंढे संसार, काल्पनिकता में ही ढूंढे संसार। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, मैं नेहा मंडल, पूर्व बर्धवान से। मैं अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, भरोसा है मुझे। भरोसा करना ही है तो एकमात्र निरंकार प्रभु पे करो। भरोसा है मुझे आप पर खुद से भी ज़्यादा, कि संभाल लोगे मुझे तुम हर उस मोड़ पर जहाँ मुझे ज़रूरत होगी आपकी। भरोसा है मुझे तेरी हर फैसले पर जो मेरे जिंदगी के लिए होगी। भरोसा करना ही है तो एकमात्र निरंकार प्रभु पे करो। मेरी सोच से भी परे तेरी सोच है, तेरी महिमा का कोई अंत नहीं। तू चाहे तो वो सब कर सकता है जो किसी के भी बस की बात नहीं। भरोसा है मुझे कि जमाना चाहे मेरे साथ दे या ना दे, पर तू हमेशा मेरे साथ देगा। भरोसा करना ही है तो एकमात्र निरंकार प्रभु पे करो। मेरी जिंदगी के हर एक फैसले आपने लिया है,
और सभी फैसले मेरे हित में हुई है। मेरे बोलने से पहले तू मेरी हर इच्छाएं पूरी कर देता है। मुझे भरोसा है तू अपने बच्चों का साथ कभी नहीं कुछ गलत नहीं होने देगा। भरोसा करना ही है तो एकमात्र निरंकार प्रभु पे करें। नमस्कार।